सारी बनस्पति अते खास तौर ते दरख्त साडे वास्ते ऑक्सीजन, बेहतर हवा, साफ जलवायु, पानी दी बचत, मिट्टी दी हिफाजत अते जंगली जीवां दी हिमायत करके साडे वातावरण विच एक बेशकीमती योगदान पाउंदे हन। सारे जीव जंतु अते बनस्पति इंसानां लई खुराक, बालण, दवाई अते धार्मिक पक्ष तों फायदेमंद हुंदे हन। उत्तरी भारत दे लोकां वल्लों पछाणे गए दरख्तां दे वख-वख गुणां विच्चों असीं तिन रुखां बारे गल करन जा रहे हाँ। आम तौर ते इहनूं त्रिवेणी करके जाणिया जांदा है। त्रिवेणी दे तिन रुखां दे समूह विच पिप्पल, बोड़ अते निम हुंदे हन, जो कि साडी आम जिंदगी विच एक खास मुकाम रखदे हन। इन्हां दा जिक्र कई पवित्र ग्रंथां विच भी मिलदा है। बोड़ नूं अपनी लंबी उम्र करके अमर मन्निया जांदा है अते इस दा भारतीय मिथां अते कथावां विच एक खास थां है। हर पिंड विच भाईचारक सांझ अते चंगे भागां दे प्रतीक वजों त्रिवेणी लगाई हुंदी सी। तरक्की दे नां ते भारत च दरख्तां दी बहुत ही वड्डी तबाही होई है। मेरे पिंड विच वी घट्टो घट 12 बोड़ दे रुख हुंदे सन, जो मुख तौर ते पिंड दियां शामलाटां विच मौजूद सन। कुछ होर दरख्त धरती हेठले पानी दी सतह डिगण करके अपने आप ही सुक गए जां डिग पए। बदलते समय दे नाल कुछ रसूख वाले लोकां ने अपने घरां दे वलगण खुले करन लई इन्हां सुंदर रुखां दी कटाई करके जमीनां ते कब्जा कर लिया है। अपने लई वध थां दे लालच ने सदियां पुरानी सियाणप दी परवाह ही नहीं कीती। बोड़ दा दरख्त अपने आप विच एक मिनी ईकोसिस्टम संजो के रखदा है। ये दरख्त अपने विच वख-वख किस्मां दे पंछियां, मनुखां लई फायदेमंद कीड़े मकौड़िया अते होर जीवां नूं पनाह दिंदा है। इस नूं भारत दे राष्ट्रीय रुख वजों भी नामजद किया गया है। गर्मियां दे महीनियां दौरान ये रुख लोकां दे आराम करन, बच्चियां दीआं पींघां पाउण अते दूजे पिंड वासियां नूं मिलण लई सांझे थां वजों भी वरते जांदे सी। बोहड़ दा रुख अपने एंटी बैक्टीरियल अते एंटी फंगल गुणां दे नाल मालामाल हुंदा है अते इंसानां लई बड़ा ही गुणकारी हुंदा है, जिवें कि दस्तां दा इलाज करना, मसूणां दीआं बीमारियां अते दंदां दी सड़न नूं रोकणा, प्रतिरोधक शक्ति नूं वधाउणा, सोजश नूं रोकणा, डिप्रैशन नाल लड़ना, योनी दी लाग दा इलाज करना, कोलेस्ट्रोल नूं घटाउणा। दूजे पासे पिप्पल नूं कुदरती तौर ते हवा शुद्ध करन वाले दरख्त वजों जाणिया जांदा है। इस दे जाने पछाने फायदियां विच्चों दमे तो राहत, मूंह दी सेहत चंगी करना, नकसीर नूं रोकना अते दिल नूं मजबूत करना शामिल है। निम दीआं पत्तियां विच एंटी अल्सर, एंटी मलेरियल, एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल, एंटी वायरल, एंटी ऑक्सीडेंट, एंटी म्यूटोजेनिक अते एंटी कार्सिनोजेनिक गुण हुंदे हन। सब तो वड्डे दरख्तां विच्चों एक विशाल बरगद कोलकाता दे नेड़े मौजूद है।
ਇਹ 250 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਪੁਰਾਣਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰੁੱਖ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਮੁਕਾਮੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੋਡਾ ਅਲਾਦਾ ਮਾਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਬਰਗਦ ਦੇ ਦਰਖਤ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਸ਼ਹਿਰ ਬੰਗਲੌਰ ਤੋਂ 28 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਬਾਹਰੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਾਜਸੀ ਸ਼ਾਨ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਫੈਲਾਅ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਦੇ ਦਰਖਤ ਦੇ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੇ ਫਲ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਪਰ ਬਮੁਸ਼ਕਲ ਹੀ ਖਾਣ ਯੋਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਕਾਲ ਪੈਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਪੱਤੇ ਖਾਣ ਯੋਗ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਅਕਸਰ ਪੱਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪਲੇਟਾਂ ਜਾਂ ਪੱਤਲਾਂ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਲਪੇਟਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਸਦਕਾ 2 ਬੋਹੜ ਦੇ ਦਰਖਤ ਬਚੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਫੁਟੇਜ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦਰਸ਼ਕ ਇਸ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਰਖਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਵ ਕਰਨਗੇ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਰਖਤ ਲਗਾਈਏ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣੀਏ।